नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्मॉल ट्रैक मशीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूँ स्मॉल ट्रैक मशीन से। इसमें टॉप 10 मैं स्मॉल ट्रैक मशीन के बारे में आप लोग को बता रहे जा रहा हूँ, तो आप लोग डीपली इसे जरूर पढ़ ले। रेल प्रोफाइल बेल्ट ग्राइंडर, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, इसे आप लोग भली भांति जानते होंगे। बेल्डिंग टीम के पास ये रहता है, और इसमें जो मान लीजिए जो बेल्ट करता है उसे घिस के बराबर करने के रेल का काम आता है। तो निश्चित तौर से सभी इस औजार से भली भांति होंगे। दूसरा नंबर, पोर्टेबल डीसी जनरेटर। देखिए, ये जो पोर्टेबल डीसी जनरेटर है, इसका यूज आप भली भांति जानते हैं कैसे किया जाना है। वेल्डिंग टीम के पास ये सारा मशीन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कहीं लाइट लगाने का जो है जरूरी पड़ जाए तो इसका यूज किया जाता है। इसे हम लोग पोर्टेबल डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो निश्चित तौर से आप लोग नाम अधिक याद रखिएगा क्या क्या है उसको पहचानने का। देखिए, चैम्परिंग किट जो आप इमेज में देख सकते हैं, इसे चैम्परिंग किट बोलते हैं। तो साधारणतः ये ट्रैकमैन ज्यादातर इसे नहीं देखते होंगे। देखिए, रेलों के हॉल की चैम्परिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रेल छिद्रों की चैम्परिंग करने से धारदार किनारे से शुरू होने वाले क्रैक को रोका जा सकता है, तो इसे हम लोग चैम्परिंग किट बोलते हैं। ये साधारणतः वेल्डिंग टीम किसी के पास जल्दी नहीं रहता है। देखिए, इस मशीन में एक हाई टेंसाइल बोल्ट होता है। इसमें एक पैकिंग पीस और एक चैम्परिंग बिट डालकर रेल छिद्र में लगाते हैं। दूसरी ओर से क्रमशः चैम्परिंग बिट और पैकिंग पीस लगाकर नट लगाया जाता है। नट को टॉर्क पाने से कसा जाता है, जिसकी लंबाई 1.25 मीटर होती है। इसका प्रकार चैम्परिंग बिट के दबाव से छिद्र की परिधि की धार धार किनारे दबा दी जाती है। तो तीसरा नंबर चैम्परिंग किट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोलिक रेल बेंडर के बारे में। देखिए, जो आप इमेज देख रहे हैं, इसे हम लोग हाइड्रोलिक रेल बेंडर के नाम से जानते हैं। तो यह रेलों को मोड़ने अथवा मुड़ी हुई रेल को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक रेल बेंडर, देखिए आप इमेज को गौर से देखिएगा तो इसे आप लोग जो है पहचान जाइएगा। हाइड्रोलिक रेल बेंडर बोलते हैं। आप लोग इसे नहीं यूज किए होंगे, लेकिन निश्चित तौर से इसे पहचान जाइएगा। पांचवा नंबर है रेल ज्वाइंट सीधा करने वाला हाइड्रोलिक यंत्र। तो देखिए, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, इसे हम लोग रेल ज्वाइंट सीधा करने वाले हाइड्रोलिक यंत्र बोलते हैं। निश्चित तौर से आप लोग पता होगा, फीस प्लेट जोर अथवा बेल्ट को वापस सही अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब मशीन जो है जल्दी किसी को दिया नहीं जाता है, तो कम ही ट्रैक में ऐसा होगा जिसे ये मशीन को आप लोग देखे होंगे। छह नंबर क्वेश्चन है एब्रेसिव रेल कटर। एब्रेसिव रेल कटर आप इमेज में देखिए, इसे हम लोग एब्रेसिव रेल कटर बोलते हैं। तो इसे निश्चित तौर से हर व्यक्ति इसे उठाया होंगे, क्योंकि ये भी बेल्डिंग टीम के पास रहता है। रेल को काटने के लिए इसे यूज किया जाता है। निश्चित तौर से देखिए, यह मशीन विभिन्न प्रकार के रेलों को काटने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। मशीन कम समय में हार्ड एडेड 110 UTS की रेलों को काटने में सक्षम है। तो नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, इसकी मदद से 52 kg या 90 UTS रेल 3 मिनट में काट सकते हैं, और भविष्य में प्रयोग की जाने वाली 60 kg 110 UTS रेलों का काट सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है एब्रेसिव रेल कटिंग व्हील। देखिए, एब्रेसिव रेल कटिंग व्हील का जो है आप इमेज में देख सकते हैं, इसे एब्रेसिव रेल कटिंग व्हील बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे इस इमेज से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस मशीन से। देखिए, एब्रेसिव रेल कटिंग मशीन जो होता है, डिस्क ब्लेड होती है जिसे विभिन्न प्रकार के रेल पर तनुक्षण कार्य होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस मशीन के देखिए कम ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे रेल कटिंग जो इससे पहले 6 नंबर दिखाए थे, उस मशीन का जो प्रयोग किया जाता है, इसे कम प्रयोग किया जाता है इस मशीन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रेल ड्रिलिंग मशीन। तो इस मशीन से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, बेल्डिंग टीम के पास रहता है, जिसे रेल को ड्रिल करने में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हॉल करने में इसका प्रयोग किया जाता है, रेल ड्रिलिंग मशीन का, और सिग्नल टीम के पास भी रहता है मशीन। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसे हम लोग हाइड्रोलिक रेल टेंसर बोलते हैं। यह LWR में डिस्ट्रेसिंग करने और AT वेल्डिंग करते समय निश्चित गैप बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह एक भारी मशीन है जिसकी कुल वजन लगभग 375 किग्रा होता है, जिसके कारण इसे साइट पर लेकर जाना और लगाना असुविधाजनक होता है। तो निश्चित तौर पर जब 375 किग्रा के रहेगा तो कौन ले जाएगा, ले आएगा इसको। 10 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर। हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर, देख लीजिए आप इमेज में, इसे हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर के नाम से जानते हैं। यह यंत्र जो है स्लीपर की स्पेसिंग गुनिया ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये मशीन आप लोग गुनिया जो है ठीक करते होंगे, तो सफल से ही ठीक कर लेते होंगे, तो इसे हम लोग हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर मशीन बोलते हैं। इसकी मदद से जो है गुनिया को ठीक किया जाता है।
तो दोस्तों मैं 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो 10 वीडियो का रहेगा, तो आप निश्चित तौर से उसे जरूर देख ले, आपका स्मॉल ट्रैक मशीन का कन्फ्यूजन निश्चित तौर से दूर हो जाएगा।